ऊंचे बापूजी अक्सर कहा करते हैं, बापू के बच्चे नहीं रहते कच्चे। ये कहने में संकोच नहीं होता है कि बापूजी के बच्चे हर परिस्थिति में पक्के रहते हैं। कुप्रचारकों ने बापूजी व आश्रम को बदनाम करने के लिए एड़ी चोट का जोर लगा लिया हो, परंतु वे साधकों की श्रद्धा को तोड़ने में असफल रहे। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है 23 से 29 अक्टूबर तक दीपावली पर अहमदाबाद आश्रम में हुआ 7 दिवसीय विद्यार्थी अनुष्ठान शिविर, जिसमें विद्यार्थियों की संख्या पिछले वर्ष की अपेक्षा 11 गुना अधिक रही। इस शिविर में ऐसे बहुत से बच्चे, उनके माता पिता व अन्य लोग भी थे जो पहले कभी आश्रम में आए ही नहीं थे। दीपावली पर जहां दूसरे बच्चे नए कपड़ों, मिठाइयों व पटाखों की चकाचौंध में मग्न रहते हैं, वहीं बापूजी के नौनिहालों ने अपनी दीपावली अहमदाबाद आश्रम की पवित्र भूमि पर मंत्र जप व अनुष्ठान करके मनाई। ब्रह्म मुहूर्त में जागरण, ध्यान, भगवान नाम जप, कीर्तन, प्रार्थना, सत्संग श्रवण, प्राणायाम, योगासन, पीपल परिक्रमा, तुलसी सेवन, सूर्य को अर्घ आदि भारतीय संस्कृति के आदर्श नियमों का पालन कर विद्यार्थियों ने सर्वांगीण उन्नति का अनुभव किया। यहाँ विद्यार्थियों ने परीक्षा में सफलता पाने के तरीके, याददाश्त बढ़ाने के उपाय, स्वस्थ रहने की सरल युक्तियाँ व माता पिता के आज्ञा पालन की महत्ता सीखी और समझी। आश्रम के वक्ताओं द्वारा मार्गदर्शन, श्री आशा रामायण का पाठ व प्रतिदिन प्रोजेक्टर के द्वारा पूज्य बापूजी के पावन सत्संग का लाभ विद्यार्थियों को शिविर में मिलता रहा। शिविर में विद्यार्थियों के लिए भजन गायन, वक्तृत्व और लिखित स्पर्धाओं का भी आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया और विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया गया। शिविर के दौरान बच्चों ने गौ सेवा भी की। शिविर में कुछ बच्चों का जन्मदिन भी था। भारतीय संस्कृति के अनुसार जन्मदिन कैसे मनाना चाहिए, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण भी सभी को देखने मिला। विद्यार्थियों में शिविर में आने का उत्साह तो था ही, साथ ही उनकी आंखों में बापूजी के प्रत्यक्ष दर्शन की प्यास भी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उनकी लगन व पुकार सार्थक हो गई जब पूज्य गुरुदेव ने अपना संदेश भिजवाकर उन्हें शब्द ब्रह्म के रूप में दर्शन दिए। बच्चों के लिए दीपावली के दिन ही शुभ संदेश आ गया। बापूजी का शुभ संदेश प्राप्त कर सभी विद्यार्थी भाव विभोर हो उठे और उन्होंने प्रत्युत्तर में बापूजी को पत्र भी लिखे और अपने व्याकुल हृदय की पीड़ा को व्यक्त किया। सभी यही चाहते थे कि बापूजी अब जल्दी बाहर आओ। पूरे शिविर के दौरान सबसे अनोखा व प्यारा दृश्य तो संध्या के समय का होता था, जब बच्चे शाम को सामूहिक आरती व संध्या वंदन करते थे। पूरे सत्संग पंडाल में इन जगमगाते हुए दियों को देखकर ऐसा लगता था कि बापूजी ने इन विद्यार्थियों के हृदयों में दिव्य ज्ञान के दीपक जगमगा दिए हों। शिविर में बच्चों ने संकल्प लिया कि जिस तरह कबीर जी, महात्मा बुद्ध, स्वामी विवेकानंद के सत शिष्यों ने अपने गुरु की निर्दोषता को समाज में पहुंचाया था, वैसे ही हम सब अपने निर्दोष पूज्य बापूजी की सच्चाई समाज तक पहुंचाएंगे। बच्चों ने ऋषि प्रसाद और लोक कल्याण सेतु पत्रिका घर जाकर अपने आस पड़ोस में बांटने का संकल्प भी किया। दिवाली तो घर घर में मनाई जाती है, परंतु बापूजी के नौनिहालों ने गुरुद्वार पर दिवाली मनाकर अपने जीवन के लिए अनमोल क्षण संजो लिए। बाहर से तो गुरुदेव का वियोग था, परंतु भीतर से सभी को गुरु का संयोग प्रत्यक्ष महसूस हो रहा था। विद्यार्थियों को अनुभव हो रहा था कि पूज्य बापूजी
व्यासपीठ पर ही विराजमान हैं। शिविर से विदा होते समय विद्यार्थियों की आंखें नम हो उठी थी। सबके मन में एक ही विश्वास था कि सत्य की जय होगी और बापूजी जल्द ही बाहर आएंगे। बच्चों की प्रार्थना, बच्चों की प्रार्थना आप अवश्य सुनेंगे, आप अवश्य सुनेंगे। शीघ्र से शीघ्र, शीघ्र से शीघ्र, दया करके, दया करके, कृपा करके, कृपा करके, व्यासपीठ से, व्यासपीठ से हमें दर्शन देंगे, हमें दर्शन देंगे, सत्संग सुनाएंगे, सत्संग सुनाएंगे। हम आपके सम्मुख बैठकर, हम आपके सम्मुख बैठकर आपके दर्शन का लाभ लेंगे, आपके दर्शन का लाभ लेंगे। बापूजी, बापूजी आप जल्दी बाहर आए, आप जल्दी बाहर आए। बच्चों की पुकार सुनिए, बच्चों की पुकार सुनिए। मैं पहली बार ही अनुष्ठान करने आई थी, मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा लगा रहेगा। यहाँ पे कई चीजें सिखाई गई, प्राणायाम, आसन, व्यायाम, और हमने अनुष्ठान में 170 माला भी की। कौन कहता है हमारे पास बापूजी नहीं है? हमारे पास है और अभी भी है। बापूजी के ऊपर जो भी आरोप लगाए हैं वो झूठ है और हमेशा झूठ रहेंगे। मुझे शिविर में आके ऐसा अनुभव हुआ कि पूज्य गुरुदेव व्यासपीठ से हमको दर्शन दे रहे थे, और कोई भी दिन ऐसा नहीं लगा कि जिस दिन गुरुदेव ना हो। हमें हर दिन ऐसा लगा कि बापूजी व्यासपीठ पे विराजमान थे। अगली बार जब मैं शिविर में आऊँगा तो मैं अपने साथ और भी अपने दोस्तों को भी लेके आऊँगा कि दिवाली अहमदाबाद आश्रम में ही बनाओ। इन विद्यार्थियों को लाने वाले साधकों को अपनी सेवा से आत्मसंतोष हुआ। शिविर की पूर्णाहुति पर बापूजी द्वारा विद्यार्थियों के लिए भेजा गया संदेश तो मानो उनके लिए अमूल्य पूंजी और यादगार धरोहर थी, जिसे वे संकल्प के साथ संभाल कर ले गए कि हम अपने पूज्य सद्गुरुदेव के ज्ञान से अपने जीवन को उन्नत बनाएंगे।